हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, गुजरात गैस शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन का मोड बहुत चालू है। आज भी हमने देखा जब मार्केट ओपन हुई थी करीबन कह सकते हैं फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ मार्केट ओपन हुई। उसके बाद एक रैली आया मार्केट में, ऊपर की तरफ गई मार्केट, अच्छे खासे रैली मोड में। निफ्टी आ चुका था 17,300 17,280 के लेवल तक निफ्टी गया था, और वहां से फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार नीचे डाउनफॉल हुआ। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई थोड़ा बहुत, निफ्टी अगेन 17,150 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और एंड में अगर हम देखें स्पेसिफिकली आफ्टर 2:30 एक सेल ऑफ आया जिसमें अगेन मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया है। मार्केट ने 16,900 के लेवल्स पे क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अभी भी काफी सारा अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, जिसको मार्केट से कोई कह सकते हैं इस समय कोई इंडिकेशन या इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो कल के दिन पे मैंने ऐसे दो स्टॉक्स बताए थे आपको, एस्कॉर्ट्स और पीवीआर। आज के दिन पे फिर से मैं बता रहा हूँ ऐसे दो स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी पीरियड होता है तो ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए जिसके 5 साल का रिकॉर्ड काफी बढ़िया हो, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो और जिसके फ्यूचर इंप्लीकेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो। गुजरात गैस उसमें से एक ऐसा स्टॉक है। मैंने कई बार मेरे चैनल पे स्टॉक को रिकमेंड किया है, 750 के लेवल्स पे भी किया था। अभी भी मैंने होल्डिंग्स रखा है 750 के लेवल्स का। इन्वेस्टर्स को भी मैं सजेस्ट करता हूँ होल्डिंग्स रखिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ये। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब जाके स्टॉक का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी प्रॉफिटेबल हो सके। नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन सिंस 2007 एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इन दिस वीडियो में विल सी द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ गुजरात गैस लिमिटेड, वी विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, म्यूचुअल फंड डेटा देखेंगे, अक्टूबर मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक का, और साथ ही में प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा भी देखेंगे स्टॉक का। क्यू एन ए सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड देना चाहूंगा, इस संडे, इस सैटरडे टू बी प्रिसाइज, 4 दिसंबर को दोपहर को 3 बजे फिर से हम एक बार यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, जहां पे एक्जैक्टली 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में जितना हो सके सभी के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप करके रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके सभी के क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं एडवाइजरी स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा सभी को। प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो स्कीम का नाम है। 30 डेज, 90 डेज दो तरीके के मॉडल्स है। दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके एज पर अपने कह सकते हैं स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो के या फिर ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से काम करते हैं तो आपको पोजीशंस को अगर होल्ड करना पड़े तो आप होल्ड कर पाएंगे, और अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम करें तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखें। जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट होगा। तो गुजरात गैस के लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था गुजरात गैस का, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था आफ्टर करेक्टिंग फ्रॉम इट्स हाई ऑफ 786 ऑन ऑगस्ट 2021, गुजरात गैस फाउंड अ सपोर्ट एट 7577 लेवल्स इन अक्टूबर 2021। देयर आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स एज दे आर जस्ट अबव 50 वीक एसएमए। तो 50 वीक एसएमए के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन ट्यूजडे द स्टॉक बाउंस बैक स्मार्टली फ्रॉम इट्स रीसेंट सपोर्ट एंड ऑल्सो क्लोज्ड अबाउट 20 डे एंड 50 डे एसएमए। तो 20 डे स्मॉल मूविंग एवरेज साथ ही में 50 डे स्मॉल मूविंग एवरेज से इस समय काफी ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है। Momentum readings like 14-day RSI has bounced back from the oversold levels and are rising mode now. तो clearly RSI भी ऊपर की तरफ indication दे रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पे जो target है, यहाँ पे immediate target जो है वो है 750 का। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से होल्ड करेंगे तो काफी और पोटेंशियल स्टॉक में आपको रिटर्न्स दे देगा। आज का अगर क्लोजिंग देखें तो 670 के आसपास इसका क्लोजिंग है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 750 का नियर टर्म या फिर कह सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं या फिर और भी अच्छे से होल्ड करते हैं स्टॉक को तो और भी ज्यादा टारगेट होगा 850 का, जो मोतीलाल ओसवाल ने सेट किया था। काफी दिनों से ये टारगेट सेट है, अभी तक ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। साथ ही में प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उन्होंने 845 का टारगेट कह सकते सेट किया है,
प्रभुदास लीलाधर इज वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं बिगेस्ट ब्रोकिंग फर्म इन बॉम्बे इस समय अगर हम कहें तो उन्होंने भी इसका जो टारगेट है वो 845 का किया है। शेर खान की बात करें तो उन्होंने इसका का टारगेट 890 का काफी दिनों से दिया हुआ है। तो जब 3 से 4 अलग अलग ब्रोकरिंग हाउसेज एक ही स्टॉक के लिए इतने अच्छे टारगेट सेट कर रहे हैं यानी स्टॉक में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो आज के दिन पे 12 बजे तक ही 6 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका था, जबकि पूरे महीने का अगर हम एवरेज देख रहे हैं तो 13 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसमें से 6 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है यानी ऑलमोस्ट 42% का डिलीवरी क्वांटिटी देखा गया है। मेन चीज है कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों में कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में रेवेन्यू है। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,090 करोड़, 2021 में कंपनी का रेवेन्यू है 9,850 करोड़। तो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में दिख रहा है, जो ग्राफ है रेवेन्यू का वो ऊपर की तरफ ही जाते हुए देख रहे हैं पिछले 5 सालों में। साथ ही में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 2021 में जनरेट किया है वो है 1,275 करोड़ का, और 2017 की बात करें तो 219 करोड़ का। 219 करोड़ से 1,275 का ग्रोथ हुआ इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट इन दिस लास्ट 5 ईयर्स। और ईपीएस की बात करें तो 2017 में था 16 रुपया और अगर 2021 की बात करें तो 18 रुपया 56 पैसे का। तो ईपीएस भी अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में दिख रहा है पिछले 5 सालों में। तो अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में ईपीएस है, अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में कह सकते हैं नेट प्रॉफिट है, और साथ ही में अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में आपको रेवेन्यू दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए स्टॉक का तो प्रमोटर्स के पास है 61% है, एफआईएस के पास है 7.86, डीआईएस के पास है 8% और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 23% के आसपास है। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं, सभी के सभी शेयर्स अपने पास है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही में अगर कंपनी के रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स कंपनी के कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मोड में है। मार्च 2017 में 1,507 करोड़ के रिजर्व्स थे, इस बार अगर हम देखें तो रिजर्व्स है 4,340 करोड़ के आसपास। तो अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में पिछले 5 सालों में रिजर्व भी बढ़े हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉन्स्टेंटली आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली गिरते हुए दिख रहा है यानी कम होते हुए दिख रहा है। 2017 में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था 2,290 करोड़, उसके बाद 2,212 करोड़, 2019 की बात करें 2,090 करोड़, 2020 की बात करें तो 1,834 करोड़, और इस समय अगर हम 2021 की बात करें एज ऑन मार्च 2021 तो 770 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म कर्जा है। तो अच्छे खासे कह सकते हैं ग्रोथ के साथ यहाँ पे कंपनी ने अपना जो डेप्थ है वो कम किया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग एक भी नहीं है कंपनी पे, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कैश इक्विवेलेंट्स भी ग्रोइंग मोड में दिख रहा है। 2017 में कैश इक्विवेलेंट्स था 60 करोड़ और इस बार अगर हम देखें तो 2021 में कैश इक्विवेलेंट है 318 करोड़। तो अच्छे खासे ग्रोइंग मोड में कैश इक्विवेलेंट्स भी है यहाँ पे कंपनी के। चार्ट पैटर्न देखिए तो इस समय तो पिछले 3 से 4 महीनों में कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है ये चार्ट पैटर्न। 634 का बॉटम था पिछले 5 दिनों का, हाईएस्ट पॉइंट आज के दिन पे 678 का था टू बी प्रिसाइज। एक महीने का हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 690 के आसपास का था, लोएस्ट पॉइंट है 614 के आसपास का, और 3 महीने का हाईएस्ट पॉइंट है 732 और लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे 613 के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा अक्टूबर मंथ का देखे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने बाइंग किया है, 35 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 38 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, लेकिन डिफरेंस प्लस में आया है 3,03,400 शेयर्स। तो 3,03,400 शेयर्स क्वांटिटी गुजरात गैस का बाय किया गया है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जब भी कोई मार्केट में ऐसा अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, जब निफ्टी दोनों वेज आपको वॉलिटिलिटी दोनों साइड आपको रहती है, बुलिश में भी वॉलिटिलिटी है बेरिश में भी वॉलिटिलिटी है, तो वैसे सिनारियों में ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए जो इंस्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देगा, और उसमें से एक है गुजरात गैस। कल के दिन पे मैंने पीवीआर एस्कॉर्ट बताए थे, आज मैं आपको गुजरात गैस बताऊंगा। आज के दूसरे वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो इसके पहले कई बार मैंने रिकमेंड किया मेरे चैनल पे, वो भी वीडियो चेकआउट कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इस स्टॉक और चारों में से जो भी स्टॉक आपके ऑब्जेक्टिव में बैठता है इन चारों स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।